राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इस समय जो है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मम्मी पापा उनके दादा दादी उनके साथ में हैं और उनकी सारी की सारी फरमाइशें पूरी हो रही हैं जो वो चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर। सब लोग मिल करके खेलें और इस पीरियड के अंदर जो बच्चे जो है ना उनके अंदर जो एक हर बच्चे के अंदर एक एनर्जी होती है वो एनर्जी नहीं निकल पाती तो फ्रस्ट्रेट होता है। तो इस पीरियड के अंदर बच्चों की जो एनर्जी है ना वो अच्छे से काम कर रही है। वो क्रिकेट खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं। और एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप टेंशन के अंदर हो उस समय अगर आप बच्चों के साथ में कुछ समय व्यतीत कर लेंगे तो आपके जितने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इस समय कोरोना वायरस है, सब पूरे देश के अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो उस पीरियड के अंदर हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान जी सुनते हैं ना। और छोटे बेबी जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान जी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो आइए देखते हैं निवान कैसे प्रेयर करता है। निवान रात को सोते समय कैसे प्रेयर करते हो? हाथ जोड़ करके कैसे प्रेयर करते हो? वेरी गुड। बात गई, इस समय लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, आप मार्केट नहीं जा सकते, प्ले में नहीं जा सकते। तो उस पीरियड के अंदर जब घर के अंदर है तो आपको कैसा लगा है मम्मी पापा के साथ में? क्योंकि पापा के पास इतना टाइम नहीं होता था आपके साथ में टाइम स्पेंड करने का, तो इस समय आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पौधों को पानी डालता हूँ, खाना खाता हूँ अच्छा अच्छा। और जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जब मैं घर में रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए प्रॉब्लम तो है लेकिन प्रॉब्लम को अपने सर के ऊपर हमने हावी नहीं होने देना है। हर अंधेरे के बाद में उजाला आता है, हर दुख के बाद में सुख की घड़ी आती है। तो ये चीज़ जो है ना हमारे को बच्चों से सीखनी चाहिए। बच्चे जो है एक हमारे को एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। जब भी आप अपने आप को वीक महसूस करें, टेंशन में हो, डिप्रेशन के अंदर हो, तो कुछ समय बच्चों के साथ में आप टाइम स्पेंड करें। बच्चों के साथ में जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो अंदर से खुशी आनी शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से बच्चों को ये नहीं पता चलता कि खुशी है या दुख है, तो उसी तरीके से हमारे को अपने जीवन को व्यतीत करना है। कुछ समय बच्चों के साथ में ज़रूर बिताइए। आप बच्चों के साथ में समय बिताएंगे और साथ ही उनको कुछ संस्कृत का ज्ञान, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, उनको जो हमारे शास्त्र हैं उन संबंधित कुछ ज्ञान ज़रूर दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री।